वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इन दिस टॉपिक आई विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क एंड डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स विच वी यूज इन फूड प्रोडक्शन, विच वी यूज इन बेकरी पैतिसरी। सो यू विल कम टू सी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आई हैव पुट इन डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑल्सो इन दिस प्रेजेंटेशन, सो दैट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई देम विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। So let us start. So first of all, what is milk? Milk is defined as the whole fresh, clean, lacteal secretion obtained by complete milking of one or more healthy animals. So basically, जो milk produce होता है female animals से, वो अपने young ones के लिए produce होता है. It is a lacteal secretion, right? And we use it for human consumption, just like egg, which is an animal product. Milk is also an animal product. ठीक है, तो कई बार इस बात पे कंट्रोवर्सी भी हुई है कि अगर हम एग को नॉन वेजिटेरियन कंसिडर करते हैं तो मिल्क को नॉन वेजिटेरियन कंसिडर क्यों नहीं करते, बिकॉज मिल्क इज़ अगेन एनिमल प्रोडक्ट, जिस तरीके से एग है तो मिल्क भी नॉन वेजिटेरियन कंसिडर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पर अगर देखा जाए टेक्निकली तो मिल्क भी तो एक एनिमल प्रोडक्ट है, जस्ट लाइक एग। ओके, सो इट कंटेन्स अ मिनिमम ऑफ 3.25% ऑफ मिल्क फैट एंड 8.5% ऑफ SNF। अच्छा, दूध का जो पैकेट आप बाज़ार से ख़रीदते हैं उसके ऊपर एक चीज़ लिखी होती है फैट और एक चीज़ लिखी होती है SNF, राइट? डिफरेंट कंपनीज़ के दूध के पैकेट मिलते हैं, सुपर है, अमूल है, वेरका है, डिफरेंट कंपनीज़ आर देयर, राइट? जो मिल्क प्लांट्स हैं, तो फैट तो यू अंडरस्टैंड कि कितना परसेंटेज फैट है। जितना ज़्यादा परसेंटेज फैट होगा, फुल क्रीम मिल्क है तो एक्सपेंसिव होगा, टोंड है तो लेस एक्सपेंसिव होगा, डबल टोंड है तो उससे भी कम रेट का होगा। पर SNF क्या है? SNF मीन्स सॉलिड्स विच आर नॉट फैट, सो बेसिकली इट मीन्स सॉलिड विच आर नॉट फैट। ओके, तो जितना ज़्यादा फैट होगा SNF उतना कम होगा, और SNF जितना ज़्यादा होगा फैट उतना कम होगा, राइट? एंड मिल्क इज़ अ नेचुरल इमल्शन विच इज़ मेड आउट ऑफ फैट एंड वाटर। ठीक है, तो फॉट फैट और वाटर के मिक्सचर से मिल्क बनता है, और मिल्क एक नेचुरल इमल्शन है। प्रोसेसिंग टेक्निक की बात करते हैं तो मिल्क के पैकेट पे यू कैन सी पैस्चराइजेशन लिखा रहता है, विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू अ सफिशेंटली हाई टेम्परेचर एंड देन इमीडिएटली कूलिंग इट डाउन टू डिस्ट्रॉय एनी बैक्टीरिया। तो लिखा होता है पैस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है, और उसके बाद अल्ट्रा पैस्चराइज्ड मिल्क जो वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट होता है वेरी शॉर्ट टाइम, इसको UHT भी बोलते हैं, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पैस्चराइजेशन। ओके, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग एंड होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन बेसिकली क्या प्रोसेस है कि जो मिल्क में फैट और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज़ एक समान कर देना है। एक समान इसलिए कर देना है ताकि मिल्क आसानी से फटे ना, क्लाउडी ना हो, और वो उसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए, क्रीमी हो जाए और ज़्यादा वाइट कलर में हो जाए। ओके, इसलिए होमोजेनाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। तो आप डिस्कस करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑयल मिल्क, होल मिल्क। ओके, तो ये एक ऐसा मिल्क है जिससे कुछ भी निकाला नहीं गया है, नथिंग हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम दिस मिल्क एंड इज़ यूजुअली पैस्चराइज। एक जाहिर सी बात है कि जिस भी मिल्क को पैक किया जाएगा उसको पैस्चराइज करना ही पड़ेगा ताकि उसका शेल्फ लाइफ एटलीस्ट 2 से 3 दिन हो जाए अंडर रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अंडर रेफ्रिजरेटर का मीन है कि 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच उसको रखेंगे तो 2 से 3 दिन वो चल जाएगा। सेमी स्किम्ड एंड स्किम्ड मिल्क, दिस इज़ मिल्क फ्रॉम विच ऑल फैट हैज़ बीन रिमूव्ड। ओके, ये देखो UHT भी लिखा है इसमें, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटेड एंड सेमी स्किम्ड मिल्क विच हैज़ अ फैट कंटेंट ऑफ 1.5 to 1.8% ओनली। ठीक है, चैनल आइलैंड मिल्क, ओके, मिल्क फ्रॉम जर्सी काउज इज़ द क्रीमीएस्ट मिल्क ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड। ठीक है, जर्सी काउ जो होती है उसका जो मिल्क है सबसे क्रीमीएस्ट और रिच इन फैट होता है एंड इट इज़ पेल येलो इन कलर। ओके, तो दिस इज़ नोन एज चैनल आइलैंड मिल्क। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर होमोजेनाइज मिल्क इन विच ऑल द फैट ग्लोब्यूल्स आर इवनली डिस्पर्स्ड एंड आर ऑफ इवन साइज। ठीक है, तो उसको हम होमोजेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, वेरी हाई प्रेशर से हम मिल्क को पास करते हैं थ्रू सीव विच हैज़ वेरी स्मॉल होल्स। तो उससे क्या होता है, जब वो मिल्क पास होता है उस सीव से तो सारे मॉलिक्यूल्स का साइज़ एक समान हो जाता है, इक्वल हो जाता है। UHT मिल्क
treated to very high temperature for a very short time, help in storing it unopened for 3 months. तो UHT milk जैसे यहाँ पे आप Tetra Pak में देख रहे हैं, ऐसे अमूल का या नेस्ले का भी अवेलेबल होता है मार्केट में, इसको आप 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं विदाउट ओपनिंग, क्योंकि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट से इसको हमने पैक किया है. देन फोर्टिफाइड मिल्क इन विच विटामिन एंड मिनरल्स आर एक्स्ट्रा एडेड टू एनहांस द रिचनेस, राइट, एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं इसमें मिल्क में. देन बटर मिल्क, सो बटर मिल्क बेसिकली छाछ जिसको हम लोग बोलते हैं, स्किम्ड मिल्क मिक्स्ड विद मिल्क सॉलिड्स एंड देन कल्चर्ड विद लैक्टिक एसिड विच फर्मेंट्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, तो इसको हम बटर मिल्क बोलते हैं, राइट. कंडेंस्ड मिल्क, मिल्क मेड, तो नेस्ले का जिस तरीके से मिल्क मेड आता है उस तरीके से एक इंटरनेशनल ब्रांड है नेस्ले का, हाई लैंडर स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क. तो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, 60% ऑफ द वाटर इज रिमूव्ड बाय एवेपोरेशन एंड 40-45% शुगर ऐड कर दिया जाता है टू मेक कंडेंस्ड मिल्क, यूज्ड इन डेजर्ट प्रिपरेशन स्पेशली स्वीट्स बनाने के लिए. देन ड्राइड मिल्क और इवेपोरेटेड मिल्क, ऑल द वाटर इज रिमूव्ड एंड द मॉइस्चर कंटेंट इज मिनिमाइज टू 5% ओनली, ठीक है, केवल 5% वाटर रहने देते हैं. देन वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स, तो ये तो मिल्क की बात हो गई, अब डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं. क्रीम, सो क्रीम एक्चुअली क्या है, मलाई, द फैटी लेयर दैट राइज टू द टॉप पोर्शन ऑफ द मिल्क व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है. तो हम घर पे दूध उबालते हैं और उसके 5-10 मिनट के बाद देखते हैं कि दूध के ऊपर एक मलाई जम गई है, जिसको हम इंजॉय करते हैं, इंडियन स्वीट्स में भी खाते हैं, कई लोग उसको ऐसे भी शक्कर डाल के खाना पसंद करते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली द फैटी पार्ट ऑफ द मिल्क. और अगर हम कमर्शियल क्रीम की बात करें, अमूल क्रीम या जिससे फ्रूट क्रीम बनाई जाती है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन से बनाई जाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से, जो ग्रेविटी के थ्रू क्या करता है, सारा जो वाटर कंटेंट होता है मिल्क का वो सेपरेट कर देता है फ्रॉम द फैट कंटेंट एंड वी गेट क्रीम. हाफ एंड हाफ, अ मिक्सचर ऑफ होल मिल्क एंड क्रीम, इट कंटेन्स 10-18% मिल्क फैट, इट इज़ नोन एज हाफ एंड हाफ, ठीक है. लाइट क्रीम, मोर देन 18% बट लेस देन 30% मिल्क फैट, इट इज़ सूटेबल फॉर यूज इन सॉसेज एंड सूप्स, राइट. ये देखो नॉर्थअम्बरलैंड लाइट क्रीम, ओके, दीज आर ऑल इंटरनेशनल ब्रांड्स, ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी नॉर्मल मार्केट में. हैवी व्हिपिंग क्रीम, इट कंटेन्स अराउंड 48% मिल्क फैट, इट इज़ सर्व्ड विद फ्रूट्स एंड पुडिंग्स एंड फिलिंग्स फॉर चॉकलेट्स, एक्लेयर्स एंड डेकोरेटिंग डेजर्ट्स एज वेल, राइट. सो क्लोवर हैवी व्हिपिंग क्रीम, स्मेताना, ओरिजिनली मेड इन रशिया एंड ईस्टर्न यूरोप, दिस रिच वर्जन ऑफ बटर मिल्क मेड विद स्किम्ड मिल्क एंड सिंगल क्रीम विद एडेड कल्चर, इट हैज़ फैट कंटेंट ऑफ अबाउट 10%, ठीक है. तो बटर मिल्क का रिच वर्जन है यूरोपियन कंट्रीज से, रशिया से है स्मेताना, दिस इज़ नोन एज स्मेताना. देन फ्रेश क्रीम और क्रीम फ्रैश, ओके, द रिच कल्चर्ड फ्रेंच क्रीम is similar to sour cream but is milder in taste and has high fat content of about 35%. This is known as cream fresh. Clotted cream, अब देखो जिसको हम लोग इंडिया में मलाई बोलते हैं, एक्चुअली इंग्लिश में उसको clotted cream बोला जाता है. It is a cream made by heating milk and then as it cools down, automatically it forms on the surface of the milk, है ना. तो it is a speciality of Devonshire in UK and Cornwall and is served with creamy tea along with butter and strawberry jams. तो जैसा आप यहाँ फोटो में देख रहे हो, स्कोन्स के साथ, स्कोन्स जो ब्रेड रखी हुई है उसके साथ ये क्रीम सर्व की जा रही है, क्लॉटेड क्रीम, राइट. योगर्ट, यू ऑल नो कि मिल्क को कल्चर कर दिया जाता है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस के साथ, तो ये दो दो बैक्टीरिया हैं, इनके साथ जब मिल्क को हम कल्चर करते हैं, मिक्स करते हैं, तो कर्ड फॉर्मेशन होता है. होता एक्चुअली क्या है, मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट है लैक्टोज, उसको ये कन्वर्ट कर देता है, और जो लोगों को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, लैक्टोज इनटॉलरेंट हो जाते हैं वो लोग, तो डॉक्टर एडवाइस करता है आप मिल्क मत लीजिए, आप दही ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं. तो बेसिकली कर्ड और योगर्ट में क्या डिफरेंस है, कई बार लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है. तो कर्ड बेसिकली वो है जिसमें वाटर कंटेंट भी है, और अगर आप दही से सारा पानी निकाल दें तो बनेगा योगर्ट, इट इज़ मोर क्रीमी एंड रिच. सो यू कैन सी हेयर प्लेन योगर्ट, ओके, दिस इज़ प्लेन योगर्ट,
Then Greek yogurt, very famous, thick, creamy, strained yogurt, maybe from cow or ewe's milk. तो goat milk का भी हो सकता है, cow milk का भी हो सकता है. It has mild flavor and high fat content. Delicious and served simply with honey or fruits. Soya yogurt, you can see here. It is a dairy-free product, जैसे soya paneer होता है, okay? जिसको tofu बोलते हैं, right? Soya milk से बना हुआ paneer, जिसको tofu बोलते हैं. तो उसी तरीके से soya का बना हुआ yogurt. This is made from soya milk. Then probiotic yogurt, okay? जैसे Yakult वगैरह भी available है Indian markets में. तो probiotic means आपके intestine में healthy bacteria का growth को वो बढ़ा देता है, जिससे कि आपका digestion process अच्छा हो जाता है, right? So that is why probiotic yogurt. तो इसमें lactobacillus bacteria पहले से added होता है, और उसका वो वाला strain added होता है जो आपको help करता है intestinal bowel diseases या digestion problems को resolve करने में, right? Then comes cheese, very famous. Cheese is a food produced by separating milk solids from whey by curdling process. This is added by done by adding rennet. Rennet क्या है? Rennet एक natural enzyme है जो calf के stomach में से निकाला जाता है. Okay, तो rennet से basically होता क्या है? हम milk को फाड़ते हैं, तो उससे क्या होता है? जो water content है वो अलग हो जाता है, जिसको हम whey बोलते हैं, और milk solids अलग हो जाते हैं, जिसको हम cheese बोलते हैं. Okay, so the type of cheese is determined by the type of milk used, method of curdling and temperature during curdling process, and how curds are cut and strained, the way curds are cut and heated, pressed or handled, and last but not the least, conditions of the ripening or the maturation process. बहुत important है. तो जिस तरीके से हम देखते हैं, फ्रांस में इतने सारे चीज़ेस हैं, इटालियन इतने सारे चीज़ेस हैं, इंग्लिश इतने सारे चीज़ेस हैं, ग्रीक है, स्विस है, ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत टाइप के चीज़ हैं. पार्मेसन है, मोजरेला है, रॉकफोर्ट है, चेडार है, ओके, एमेंटाल है, ग्रुयर है, एडम है, ओके, गोडा है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द नेम्स ऑफ द चीज़, राइट? तो ये सारे जो चीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, इनमें डिफरेंस किस बात से आता है? देखो, सबसे पहले तो या तो ये गोट मिल्क से बने होंगे, काउ मिल्क से बने होंगे, या बुफेलो मिल्क से बने होंगे, राइट? पर जो डिफरेंस है वो आता है ड्यू टू द प्रोसेसिंग टेम्परेचर, मैच्यूरेशन, और किस तरीके से आपने कर्ड्स को काटा है, प्रोसेस किया है टू मेक द चीज़, किस तरीके से प्रेस किया है. सो देर इज़ अ होल प्रोसीजर विच इज़ इन्वॉल्व. फ्रेश चीज़ और ऑल्सो नोन एज कॉटेज चीज़. तो देखो यहाँ लिखा है, दीज इंक्लूड कॉटेज चीज़, रिकोटा क्रीम एंड मोजरेला. सो फ्रेश चीज़ हैं, सॉफ्ट, वाइट एंड फ्रेश. सेमी सॉफ्ट चीज़, ओके, दे आर मोर डेवलप्ड देन अनराइपन्ड. दीज इंक्लूड बेलपेज, फोंतीना, मंस्टर एंड ब्रिक. अब देखो इस प्रेजेंटेशन में आई एम शोइंग यू ऑल द नेम्स ऑल्सो विद द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चीज़. तो सेमी सॉफ्ट में कौन है? बेलपेज, फोंतीना, मॉन्स्टर एंड ब्रिक चीज़. ओके, सो यू हेयर यू कैन सी द फोटो ऑफ बेलपेज चीज़. हर चीज़ का एक टिपिकल फ्लेवर और टिपिकल अरोमा होता है, राइट? डिफरेंट अरोमा होता है. सॉफ्ट राइपेंड चीज़ आर राइपेंड फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स द सेंटर. व्हेन यंग दे आर फर्म एंड कॉम्पैक्ट विद लिटिल फ्लेवर. एज दे मैच्योर दे सॉफ्टन एंड व्हेन फुली राइप दे आर रनी. तो इनको जब काटेंगे आप, जैसे कि ब्री है, कैमेम्बर्ट है, इंग्लिश चीज़ हैं ये, इंग्लैंड के हैं, तो इनके अंदर से एक लिक्विड फ्लो आउट होगा. ओके, सो दे आर नोन एज सॉफ्ट राइपेंड चीज़. हार्ड राइपेंड चीज़ आर क्योर्ड चीज़ेस विच हैव फर्म टेक्सचर, लाइक चेडार, ग्रुयर, जाल्सबर्ग. ओके, तो जिस तरीके से अमूल का चीज़ इंडिया में अवेलेबल होता है टिन में, दैट इज़ एक्चुअली अ चेडार विच इज़ मैनुफैक्चर्ड इन इंडिया, ठीक है, जिस पर अमूल प्रोसेस चीज़ लिखा होता है. सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ हार्ड राइपेंड चीज़. हार्ड ग्रेटिंग चीज़. नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, चीज़ के ब्लॉक्स हैं, चीज़ के व्हील्स हैं. सो बेसिकली जो हार्ड टाइप ऑफ चीज़ेस हैं, जैसे कि पामेसन है एंड रोमानो है फ्रॉम इटली, इनका जो मैच्यूरेशन एजिंग पीरियड है वो 2 साल या उससे अधिक भी हो सकता है, राइट? दैट ब्रिंग्स आउट अ यूनिक फ्लेवर एंड करेक्टरिस्टिक इन दीज चीज़ेस. ब्लू वेंड चीज़ यू कैन सी हेयर, जिसको ब्लू चीज़ बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल रॉकफोर्ट, गोगोंजोला, स्टिल्टन एंड ब्लू चीज़. So basically their flavor and appearance is due to the blue and green mold, which is generally penicillin. So penicillin जो antibiotics बनाने में काम आता है, वो वाला type का mold यहाँ पर use किया जाता है, means fungus use किया जाता है to bring the color to this blue green veiny color which you see in this cheese. Then goat cheese, made from goat milk,
एंड इन फ्रांस दे आर जनरली कॉल्ड शेवरे. सो कई बार ये टर्म आ जाता है शेवरे. सो शेवरे इज गोट चीज विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन फ्रांस फ्रॉम गोट मिल्क, राइट. सर्विंग चीज, चीज कैन बी सर्व्ड एट एनी टाइम ऑफ द डे, सर्व्ड एट रूम टेम्परेचर. वराइटी ऑफ शेप्स एंड कलर्स आर अवेलेबल. वराइटी ऑफ फ्लेवर्स एंड टेक्स्चर्स आर अवेलेबल. ओके, एंड सर्व विद प्लेन ब्रेड और क्रैकर्स. नॉन सिट्रस फ्रूट्स आर ऑल्सो अ गुड अकम्पनीमेंट टू सर्व विद द चीज़. तो आप कुछ भी सर्व कर सकते हैं. देन बटर, अनदर डेयरी प्रोडक्ट. बटर इज़ अ डेयरी प्रोडक्ट एंड अ फैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क एंड इज कम्पोज ऑफ एटलीस्ट 20% फैट होता है, 2% मिल्क सॉलिड्स एंड 16% वाटर इन बटर. देन बटर में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, फ्लेवर्ड बटर्स हैं, सॉल्टेड बटर हैं, प्लेन बटर है, ओके. और अमूल बटर है जो येलोइश कलर का होता है, उसमें एनाटो डाला जाता है. एनाटो एक कंपाउंड है, प्लांट कंपाउंड है, जिसकी वजह से उसका येलोइश कलर आता है. और वो बेसिकली क्यों डाला जाता है, टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अनसॉल्टेड बटर, क्योंकि अमूल बटर में सॉल्ट भी है, तो उसकी एक अलग पहचान बनाने के लिए उसमें एनाटो डाला जाता है. नाउ यू सी हियर, सॉल्टेड बटर विद 2.5% सॉल्ट, इट चेंजेस द फ्लेवर, इट चेंजेस द कलर एंड एक्सटेंड्स कीपिंग क्वालिटी ऑल्सो. प्रिजर्वेटिव के रूप में भी काम करता है बटर, तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है. यूरोपियन स्टाइल बटर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, मोर बटर फैट दैन रेगुलर बटर, 82 से 86% एंड वेरी लिटल सॉल्ट. देन व्हिप्ड बटर मेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग एयर इन टू द बटर. तो जिस तरीके से हम व्हिप क्रीम बनाते हैं, उसी तरह बटर के अंदर अगर एयर को व्हिप कर दें तो वी गेट व्हिप्ड बटर, राइट. क्लैरिफाइड बटर, देसी घी, जैसा कि हम सब जानते हैं इंडिया में देसी घी बहुत यूज होता है. बटर दैट हैज़ इट्स वाटर एंड मिल्क सॉलिड्स रिमूव्ड. तो देसी घी बनाते हैं हम लोग, बेसिकली क्या करते हैं, मलाई जो हमारे घर में इकट्ठी हो जाती है उसको हीट करते हैं, और जब मलाई को हीट करते हैं तो क्या होता है, उसके मिल्क सॉलिड्स रिमूव हो जाते हैं और वाटर रिमूव हो जाते हैं, और सिर्फ फैट रह जाता है हमारे पास. और वो जो फैट होता है वो क्लियर गोल्डन लिक्विड होता है, जिसको हम क्लैरिफाइड बटर या देसी घी बोलते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. सो आई होप दिस वॉज वेरी यूजफुल, एंड आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स इन अ क्विक मैनर टू ऑल ऑफ यू, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट ईजिली. डू शेयर दिस कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड एक दो बार इसको देखोगे तो यू विल रिमेंबर ऑल द थिंग्स एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई देम, बिकॉज आई हैव पुट इन लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑल्सो इन दिस प्रेजेंटेशन. एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.